सीता मंदिर में पहुंची, दोनों हाथों को जोड़ के प्रार्थना की, मैया जिसे भी हृदय में चाहती हूँ मेरा विवाह उसी के साथ में हो। आज मैया गौरी से प्रार्थना की, आशीर्वाद लेके आए। ध्यान रखना प्यारे, आज जैसे ही इधर ध्यान रखना, मैया सीता ने आशीर्वाद लिया, आशीर्वाद लेने के बाद में तुरंत जनकपुरी में आई। इधर जनकपुरी में सवेरा हुआ और जैसे ही मैया सीता के पिता ने नवदुल्हन की तरह जनकपुरी सजवा दी। जो कोई उस नगरी में निकलता है तो देख करके मोहित हो जाता है, कहता है आज इस नगरी में कुछ कार्य जरूर है। तब ये नगरी इतनी सजाई गई ना, इतनी नगरी ये कभी सजी नहीं है, बहुत अच्छी है। ध्यान रखना भैया, आज मैया सीता ने पहला कदम जैसे ही रखा तो आज रसमलाई टपक रही महाराज। कुछ देर के बाद में आज मैया सीता ने रंगभूमि में कदम रखा तो वह कहते हैं ना कि मोए ना भावे नार नार के रूपा और पन्न गारे है रीति अनुपा। ध्यान रखना, स्त्री स्त्री को देख करके कभी मोहित नहीं होती, चाहे कितनी उम्र में कारी होवे, लेकिन जब सोचे हमारे इतना सुंदर है कौन, हम तो बहुत सुंदर है, हमारे इतना सुंदर है कौन, स्त्री स्त्री को देख के कभी मोहित नहीं होती। इधर बाबा तुलसीदास ने कल्पना की है, यहाँ तक मैया सीता ने जैसे जनकपुरी में पहला कदम रखा तो आज जनकपुरी में जितनी भी सखियां थी मैया सीता को आसपास घेर के बैठ गई। बिटिया की शादी हो तो लाड़ों की सहेलियां इतनी आवेगी।